हेलो एवरीवन, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम का थर्ड यूनिट हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर नॉमनक्लेचर के बारे में बताया। आज हम जनरल प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो फर्स्ट हेडिंग है आपके सिलेबस में, वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इसकी नेम रिएक्शन हो गई। इसमें क्या बोला गया कि जब हम कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इसका हमने हाइड्रोजनेशन करा दिया। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हम क्या रखते हैं? 2523 से 573 केल्विन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है? ईथेन, ठीक है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपेन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका भी हाइड्रोजनेशन कराएंगे और कंडीशन हम यही अप्लाई करेंगे, क्लियर। अब वही क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रोपेन। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड, जिसे एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। अच्छा, इसका हाइड्रोजनेशन दो बार होता है। पहले एक बार एक बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जुड़ते हैं, फिर दूसरी बार एक बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जुड़ते हैं। तो मैं अभी डायरेक्ट रिएक्शन आपकी कर दे रही हूँ, ठीक है, इसीलिए हम टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें लेते हैं। कंडीशन वही अप्लाई होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईथेन में, ठीक। दूसरी रिएक्शन हम कौन सी कर सकते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बेटा नेम रिएक्शंस को हमेशा नेम से याद करिएगा, अब की बार नेम्स बहुत पूछे गए थे, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दो। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? जनरली हम क्या रिडक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? या तो जिंक या फिर कॉपर यूज़ करते हैं। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल या फिर एसिटिक एसिड। हमने क्या लिया? हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया। एल्काइल हैलाइड का मतलब एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलाइड ग्रुप हो, उसका हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन करते हैं हम किसके प्रेजेंस में? या तो हम जिंक लें, कॉपर लें और उसके साथ क्या लें? एल्कोहल, या फिर हम जिंक और एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। ये क्या कर रहा है? ये हैलाइड को रिप्लेस कर दे रहा है और हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जा रहा है, तो ये बन रहा है हमारा RH, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है और एक हैलाइड है, तो दोबारा दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन के साथ हैलाइड, ठीक है। इसका क्या किया इन्होंने? इसका रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया, समझ लो। ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड लिया है, इसका जब हम रिडक्शन करेंगे कंडीशन हमें यही अप्लाई करनी है, तो क्या हो रहा है? ये Br रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6 प्लस क्या हो जाएगा? HBr, ठीक है। अब ये तो Br की बात हो गई, लेकिन अगर हम एल्काइल आयोडाइड की बात करें तो एल्काइल आयोडाइड आर इजली रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HI एट 423 केल्विन, ठीक है। जो हमारा HI होता है, जैसे हम RI ले लें या फिर C2H5 मतलब इथाइल आयोडाइड लें, तो ब्रोमीन का केस था, इसके लिए हमें ये लेना ही पड़ेगा। अगर हम इथाइल आयोडाइड लेते हैं और इसका रिडक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराएं? HI के प्रेजेंस में कराएं। किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोरस और 423 केल्विन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आई और ये आई एक साथ चले जाएंगे, या हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस I2, ठीक है। ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में थर्ड रिएक्शन आपके जो कोर्स में है, ये वुड्स रिएक्शन है।
वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। मतलब हम 2 मोल ऑफ क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो एक एल्काइल हैलाइड हमने इधर बना दिया, मान लो हमने मिथाइल ब्रोमाइड एक इधर ले लिया और एक मिथाइल ब्रोमाइड हम इधर लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन को ईजी बनाने के लिए। और इस दोनों की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर भी कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर क्या करता है, यहाँ से NaBr निकाल देता, रिमूव कर देगा, तो ये CH3 ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 + 2 Na, तो था ही एक Br, ये एक Br, ये क्या बन जाएगा, NaBr। क्लियर बेटा। ऐसे ही अगर हम इथाइल ब्रोमाइड ले लें, C2H5Br, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में होगा, तभी ये वुड्स रिएक्शन है। यहाँ भी C2H5Br ले लिया, रिएजेंट हमने यही यूज़ किया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5, ठीक है, +2NaBr, ठीक। ये तो था सेम सेम, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, यहाँ मिथाइल मिथाइल लिया, यहाँ इथाइल इथाइल लिया। अब क्या होता है, अगर हम डिफरेंट हैलाइड यूज़ करें तो भी हमें क्या मिलेगा, सेम यही मिलेगा। जैसे हमने लिया, हमने एक एक तरफ ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, 2Na तो रहेगा ही, और दूसरी साइड में हमने अब इथाइल ब्रोमाइड ना लेकर के क्या ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ से भी ये NaBr निकल जाएगा, यहाँ से तो निकला ही था, ये क्या बन जाएगा, सेम रिएजेंट यूज़ करेंगे, ड्राई ईथर, तो ये तो CH3 हो गया, Br 2NaBr, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 2NaBr, और यहाँ पे क्या बचा, C2H5, ठीक है। तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड को भी हम, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से भी हम डिफरेंट तरह के एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर बच्चों। अब थोड़ी सी बात इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की कर लें, तो मैकेनिज्म में देखो बेटा, सबसे पहले मैकेनिज्म वन में क्या होता है, जैसे हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड लिया हमने, इसकी रिएक्शन जब हम Na से कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, RNa + NaX में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपका RNA है ये दोबारा से किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर लेता है और RR+NaX में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस 2 स्टेप। अगर हम सेकेंड मैकेनिज्म की बात करें, सेकेंड में, तो इसमें क्या हो रहा है, जो एल्किल हैलाइड है आपका वो Na से रिएक्शन कर रहा है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मैकेनिज्म ये भी हो सकती है। अब ये फ्री रेडिकल्स दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो आपकी वुड्स रिएक्शन होती है, ये मैकेनिज्म 1 या मैकेनिज्म 2, दोनों के साथ हम इसको देख सकते हैं। क्लियर। दो मैकेनिज्म इस वुड्स रिएक्शन के लिए दिया गया है, पहले में क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम का कोई हाइड्रोकार्बन बना रहा है, और ये सोडियम हाइड्रोकार्बन अगेन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हमें एल्केन का फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम हैलाइड निकल जा रहा है और एल्केन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे कई फ्री रेडिकल्स होंगे जो आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होकर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्केन के प्रिपरेशन में, कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस
कोरी हाउ सिंथेसिस में क्या होता है, ये रिएक्शन जो होता है ये वुड्स रिएक्शन से बेटर होता है। इट इज़ बेटर मेथड देन वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड, कोई एक एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन कर लेता है, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर से जब रिएक्शन करता है। अच्छा मैंने यहाँ पे आर डैश इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी हम एक अल्काइल ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो इसका एक आर इसके एक आर के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये आर आर डैश बना लेगा प्लस आर, एक आर बचा इसमें, कॉपर बना लेगा और प्लस लिथियम हैलाइड बना लेगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाता है, एल्केन, ठीक। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लो हमने कोई प्रोपाइल ब्रोमाइड लिया, CH3CH2CH2Br, इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, लिथियम डाई मिथाइल कॉपर से, लिथियम डाई मिथाइल कॉपर से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक मिथाइल इस यहाँ जुड़ जाएगा और Br को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH3। अगेन क्या बनेगा, कोई कॉपर मिथाइल के साथ दूसरा ये वाला मिथाइल कॉपर के साथ चला जाएगा और आपका एक बन जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरी हाउ सिंथेसिस। मैंने बोला ये जो कोरी हाउ सिंथेसिस रिएक्शन होती है ये वुड्स रिएक्शन से बेटर होती है। देखो वुड्स रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी, स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच चेन भी इसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये फॉर अ बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट द एल्किल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी, ठीक है। जो हम एल्किल हैलाइड यूज करते हैं वो प्राइमरी होता है, वेयर एज लिथियम डाई एल्काइल कॉपर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। समझ रहे हो, जब हम वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो हम हैलाइड यूज करते हैं, एल्काइल ग्रुप यूज करते हैं, वो हमारा प्राइमरी होता है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन की एक कंडीशन और क्या थी, वो सिमेट्रिकल होने चाहिए थे, होना चाहिए ज़्यादातर। और जबकि ये जो आपका कोरी हाउस सिंथेसिस होता है इसमें हम डाई एल्काइल भी यूज़ कर सकते हैं और टर्शरी मतलब सेकेंडरी भी यूज़ कर सकते हैं और टर्शरी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखो हम दो दो ले रहे हैं ना, ठीक है। और उसके साथ किसके साथ क्या है, ये सिमेट्रिकल में भी, अनसिमेट्रिकल में भी, स्ट्रेट चेन में भी और ब्रांच चेन में भी इसका यूज़ होता है। अब आता है इन इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिफ्थ प्रोसेस है, इन डायरेक्ट रिडक्शन, इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। देखो बेटा एल्काइल हैलाइड क्या करता है, सबसे पहले ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम से रिएक्शन करके एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। जो एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और क्या बना लेता है, RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, RMGX का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो इस Mg के एक साइड में OH और एक साइड में X ग्रुप आ जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखो RH, ये हाइड्रोजन और ये R आपस में रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, और ये MgX और ये OH एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका Mg के साथ OH और यहाँ पे X, ये हैलाइड ग्रुप है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने लिखा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा, ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिथाइल
इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये बनाएगा CH4 प्लस। अब क्या बचा, Mg, तो बचेगा ही Mg के एक साइड में तो Br लगा ही लगा है और दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, OH। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर हीटेड विथ सोडा लाइम टू फॉर्म एल्केन। मैंने क्या बोला, जो सोडियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, वो हीट किया जाता है किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, RCOONa। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम सोडा लाइम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH किसके प्रेजेंस में, CaO के, कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है। तो ये जो स्पीसी होती है ये पूरी की पूरी, ये एक साथ बन जाती है और ये इसके साथ चला जाता है, क्योंकि हमें एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो RH हो जाएगा, प्लस में एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, तो क्या बन जाएगा, Na2, और यहाँ पे तीन कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है कार्बन के साथ, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, अगर हम सोडियम एसिटेट लेते हैं COONa, ठीक है, इसके रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब इसको बोलते हैं सोडा लाइम पूरे को। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम रिएक्शन होगी, ये इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे बनेगा मीथेन और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब आता है कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ये आप सब 12th में ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है बेटा, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एल्केन आर ऑब्टेंड। जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, किसका, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के फैटी एसिड का, तो हमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, इसको पहले लिखते हैं कोलबेस इलेक्ट्रो लेसिस लिटिक सॉरी कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने लिया सोडियम का, ठीक है, सोडियम का फैटी एसिड लिया 2RCOONa, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तो ये किस में टूट जाएगा, 2RCOO- + Na+। ठीक है, अब ये जो है ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तुम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2RCOO-, ये क्या दे रहा है हमको, RCOO+2 इलेक्ट्रॉन, RCOO। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहे हैं, एट कैथोड, ये आपने सॉरी एट एनोड। ठीक, अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका ये जो Na था, ये Na जो उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया था Na+, इस Na+ ने इस दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये बना ले रहा है 2Na। ठीक है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और ये रिएक्शन किस पे हो रही है, एट कैथोड, वो एनोड पे हो रही थी ऑक्सीडेशन, और ये कैथोड पे हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, NaOH+H2। क्लियर, अब इसी को हम एक रिएक्शन में करके दिखाएं। तो मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, R की जगह हमने CH3 ले लिया, COONa। ठीक है, क्या होता है जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो मैंने क्या बोला, एक तो आपका मीथेन बन एल्केन बन जाएगा, CH3 CH3 बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस आपका क्या बन जाएगा बेटा, CO2 बन जाएगा, और प्लस 2Na+2H2O, यहाँ से बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये जो बन रहा है, ये दोनों आपका किस पे बन रहा है? एनोड पे। और ये जो है ये आपका किस पे बन रहा है? कैथोड पे। अब एक रिएक्शन और बची है आपकी, 8 नंबर। बाय द रिडक्शन, बाय रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड। मतलब क्या कर सकते हैं हम? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का रिडक्शन करेंगे तो भी हमें किसका फॉर्मेशन मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। जैसे सपोज हमने पहला लिया एल्कोहल, एल्कोहल में हम इथाइल एल्कोहल लेते हैं। इथाइल एल्कोहल का जब हम रिडक्शन करेंगे बेटा, किसके प्रेजेंस में? फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। टेम्परेचर हमने 2423 केल्विन रखा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C2H6 प्लस वाटर प्लस I2। ठीक, ऐसे ही ये तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, देखो होता क्या है, यहाँ से ये जो OH है, ठीक है, ये OH और यहाँ से एक H वाटर बन के निकल जाता है, एक H इससे कंबाइंड हो जाता है और ये I2 के फॉर्म में बन जाता है। ऐसे ही RCOOH, इसकी रिएक्शन